भारतवर्ष केवल इसलिए एक है कि यहाँ के धर्मनिष्ठ हिंदुओं को अपने राज्य से प्रेम है और मुसलमानों और ईसाइयों ने जो अत्याचार किए थे उसकी स्मृति है कि अरे भाई जैसा भी है ये कुछ भी करते हैं थोड़ा इन्हीं को संभाल के रखो तो संसार के लिए आवश्यक है भारतीय न्याय व्यवस्था को लाना क्योंकि उसमें समाज न्याय में शामिल होता है जी। अभी क्या है राजकीय कर्मचारी यानी जुडि लीगल उप, जुडिशियल ऑफिसर्स छोटे से बड़े तक ये न्याय कर रहे हैं न्याय में परिवार के लोगों का कोई हाथ नहीं है नहीं। अगर परिवार से संबंधित है तो परिवार के लेवल पर पहले अधिकार देने चाहिए गांव का कोई हाथ नहीं है खाप का कोई अधिकार नहीं खाप कोई पंचायत करती है तो मीडिया ऐसे हल्ला करता है और खाप में भी वो अकल भी नहीं बची है तो हमारी जो न्याय प्रणाली है इसमें कम से कम 11 ही इकाइयाँ बताई हैं हमने अपने पुस्तक में 11 ही इकाइयों का है राज्य सर्वोच्च इकाई है इसमें जी, जी, कोई तो बात ही नहीं है लेकिन वो राज्य क्या है भारत में राज्य कभी भी कानून नहीं बना सकता हु, जो परंपराएं हैं जो धर्मशास्त्र कहते हैं जो सदा से नियम चले आए हैं उनको सुनिश्चित करना यानी राज्य को लागू करना अगर धर्म को कानून ही मान लो कहना है तो राज्य का काम कानून लागू कानून यानी वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन राज्य का काम कानून बनाना किस तुम कानून किस अधिकार बनाते जी हो तुम्हारे दिमाग में कोई खुजली हो गई हमको ये करना है हमको फलाना एक्ट बनाना है हरिजन एक्ट बनाना है तो भाई तुम मनोरोगी हो क्या हो तुम किस आधार पे उसका एक आधार होना चाहिए तो भारतीय न्याय व्यवस्था न केवल भारत के लिए अत्यावश्यक है संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है क्योंकि उसमें सभी इकाइयों का समावेश है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर अब थोड़ा सा और गुड़ की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसा विषय उठाते हैं जिससे हमारे हिंदू समाज को लाभ हो क्योंकि आपने पाप पुण्य प्राश्चित इन सब पर विशद अध्ययन किया है और इसमें विशद वर्णन भी किया है दिए। दिए। और मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ कि यदि पाप और पुण्य का विचार या विवेक हमारे मस्तिष्क में हो मन में हो तो बहुत सारे ऐसे कह लीजिए कुकृत्य हैं कुकर्म हैं, जिनसे हम बचेंगे बिल्कुल। और उससे पूरा राज्य लाभान्वित होगा क्योंकि जो विवाद हैं जो आप कहते हैं उनकी संख्या घटेगी स्वयं में यदि हम सच बोलना भी शुरू कर दें तो बहुत सारी बातें तो ऐसे ही सुलझ जाए तो आप हमें इस पर प्रकाश डालिए कि जो ये शब्द हैं पाप पुण्य और प्राश्चित इनसे हमारा समाज इतना उन्नत रहा वैभवशाली रहा संसार में सबसे आगे रहा तो इनको फिर से कैसे हम अपने समाज में उसके महत्व को स्थापित कर सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं। नहीं। पाप करने से बचे पुण्य करने की ओर बढ़े नहीं। नहीं। और यदि उसने पाप कर भी लिया हो छोटा या बड़ा हो आपने दिखाई लिखाई नहीं। नहीं। आपने महापातक पातक उसकी भी श्रेणियां है उप पातक तो उसको वो कैसे प्राश्चित करके फिर से वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए जिसको आप कह सकते हैं कि स्वच्छ व्यक्ति हाँ, हाँ. मन से तन से से हृदय हाँ. उपस्थित हो गया ऐसा ही व्यक्ति तो हमें चाहिए वही चाहिए वही वही जी तो इस पर कुछ प्रकाश आप बहुत सुंदर लेकिन इसमें जैसा हर हर विषय में बार वही बात हम कह रहे हैं कि हमारा सारा चिंतन सत्य पर आधारित है जी तो इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि पहले जो जीवन का सत्य है जो वस्तुतः हमारे ऋषियों मनीषियों ने देखा था कोई भी साधक योग बल से साधना से जान सकता है उसे जाने तो वो सत्य क्या है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है लेकिन साथ ही जब आप अस्तित्व में आते हैं तो संस्कारों के समुच्चय के साथ आते हैं सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है तो पुनर्जन्म होता है कर्मफल होता है जी, जी जी तो आत्मा पुनर्जन्म और कर्मफल ये तीन ध्रुव सत्य हैं ये बाकायदे ऋषियों ने देखा योगियों ने देखा साधक जो भी साधना करता करता है, आप करते हैं, मैं हूं, कोई भी इसको फिर कर लेता है। जी, जी, तो पहले तो समाज में इस सत्य को फैलाया जाए कि पुनर्जन्म सत्य है कर्म फल सत्य है तब मनुष्य को सब पता चलेगा कि ओहो कर्म फल सत्य है तो हमें हर कर्म फल का हाँ, हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा जी जी कर्म फल अटल है अनिवार्य है अनिवार्य बच ही नहीं सकते तो उसकी पढ़ाई हो जिसका अर्थ है कि योग शास्त्र या जो भी दर्शन है उसका सार तत्व जरूर पढ़ाया जाए विद्या को जी, कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है पुनर्जन्म क्या है कर्म पल क्या है एक तो ये जब तक हम इसको नहीं पढ़ाएंगे ये जो एक ही जीवन है जो ईसाइयों और मुसलमानों का विश्वास है उसमें तो कभी देखिए जयप्रकाश नारायण एक कम्युनिस्ट नेता थे पहले और बाद में उन्हें जब एहसास हुआ तो उन्होंने स्वयं लिखा है सर्वोदय में कि अगर कोई व्यक्ति या समुदाय आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्म फल पर श्रद्धा नहीं रखता तो वो कभी नैतिक नहीं हो सकता सही बात है जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ माने वो उसको नैतिकता की प्रेरणा कहाँ से होगा वो नैतिकता का दिखावा कर सकता है क्यों करेगा इससे हमको यश मिलेगा इससे आप हमें अच्छा मानेंगे लेकिन वो नैतिक भीतर से नहीं हो सकता क्योंकि उसको कोई कम्पल्शन नहीं है ना नहीं। नहीं। अगर यही जन्म है तो मुझे क्यों नैतिक होना चाहिए जी, जी। अरे किसी तरह जो हम चाहते हैं वो सिद्ध करो सत्ता संपत्ति बच्चे का मान बढ़ाना अपने संतानों का गौरव बढ़ाना और गौरव भी क्या वही जो चल रहा है वही है। हम तो उसको विकृति कहेंगे विकृति में ही गौरव मान जी, जी। भोग विलास मनोरोग है लेकिन उसी को समझना कि यह ऐश्वर्य है तो वो कैसे नैतिक होगा जी न उसे सच्चे ऐश्वर्य की समझ है न सत्कर्मों की समझ है वो तो सारी समाज को बदल डालो वो तो मूर्खों की सब चल गए हैं, ये जो फिल्मों के जरिए सब फैलाया गया, समाज को बदल है, इसको, इसको तुम बदल सकते हो मेरा नाखून मुझे कैसे बदल सकता है तुम्हारी हैसियत क्या है लेकिन सारे ही नेता परेता और ये जो है फिल्म वाले नट नटी ये सब समाज को बदल डालने और उनके नकल में जवान मतलब नाखून कह रहा है कि मैं इस शरीर को बदल दूंगा बदल अरे तू समाज का एक चिरकुट मामूली अंश हाँ। है तो ये ज्ञान के प्रसार से सत्य के प्रसार से ही होगा इससे बहुत लाभ होता है प्रायश्चित हमारे यहाँ अद्वितीय व्यवस्था है जी ये नहीं है कि तुमने एक बार गलती कर दी तो बस अब वो तुम पे जैसे कि की जी 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 जीवन भर के लिए जी सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता सदा के लिए इटर है तो वस्तुता है आत्मा तो कुछ करती नहीं है जी न जाते मृत न भविता अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो ये है तो जो हमारी आत्मा है उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है जब हम झूठ बोलते हैं तो उसमें संस्कार होते हैं संस्कार फिर उस आकांक्षा को जन्म देते हैं बहुत जटिलताएं है, पैदा करते हैं और दूसरा हम जो भी बोलते हैं जो भी कर्म करते हैं जो भी इच्छा करते हैं उसकी एक मेमोरी स्मृति चित्त में अंकित होती है बिल्कुल तो स्मृति और संस्कार का ये चक्र चलता हाँ रहता है बड़ा सुंदर बहुत सुंदर बात है बहुत सुंदर बात है स्मृति आकांक्षा को जगाती है हर स्मृति आकांक्षा फलक है जी, जी, जी। और संस्कार भी आकांक्षा फलक है और हर आकांक्षा फिर स्मृति जगाती है तो ये दुष्चक्र चलता रहता है तो अगर आपने कोई अंचित काम किया तो जब तक आप में उसके प्रायश्चित की भावना नहीं आए तो वो आकांक्षा करते रहेंगे जी, जी, जी। इसलिए प्रायश्चित की भावना आवश्यक है और प्रायश्चित हमारे यहाँ कुछ ही पाप हैं जो महापातक उनके प्रायश्चित कठोर हैं बाकी सब प्रायश्चित साधारण है, साधारन जो मनुष्य कर सकता है भाई पी ली सरल है वो इक्कीस दिन गंगा जल पी लो एक टाइम खाना खाओ तुलसी कर लो और अमुक मंत्र का जपो मंत्रों का इसमें बहुत महत्व है प्रायश्चित में क्योंकि मंत्र आपके मानस को चित्त को शुद्ध करते हैं वो मन है जो पाप की ओर ले जाता है जैसे ही आपने लगातार मंत्र जप किया साधना की भगवान का ध्यान किया पाप में आपकी गति घटती जाएगी और समाप्त हो जाएगी तो प्रायश्चित जो है वो चित्त को एकदम फिर से उत्फुल्ल कर देता है हल्का कर देता है उससे वो कलुष हट जाता है तो भीतर आपके प्रसन्नता आ जाती है और भगवान की अनुभूति आत्मा का एक तरह की झलक इसलिए प्रायश्चित का महत्व है प्रायश्चित में दान दान एक हमारे यहाँ वैसे भी समाज के पोषण के लिए भी दान बहुत महत्वपूर्ण है बहुत। और प्रायश्चित के लिए भी तो ऐसा बनाया है दान से समाज का पोषण भी होता है और आपका प्रायश्चित भी होता है